हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रियलमी के C51 के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के लिए जो है वो टीज हो गया है। फ्रेंड काफी टाइम से जो इमेजेस लेकर ऑर्डर करते हैं, जो कि हमें काफी ज़्यादा रॉन्ग देखने को मिलते हैं, फाइनली रियलमी ब्रांड ने अपना जो टीजर इमेज है उसके अंदर रिवील कर दिया है कि फ्रेंड इसके अंदर हमें कैप्सूल डिजाइन देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड ये हमें रियलमी का हमें न्यूएस्ट चैंपियन मोबाइल है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज रियलमी ब्रांड ने इसे चैंपियंस कमिंग के नाम से जो है वो इसे टीज किया है। एंड बात करो फ्रेंड इसके फ्यूचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड इस मोबाइल के अंदर हमें डायनामिक आइसलैंड लाइक हमें फ्यूचर्स देखने को मिलेगा, जो कि हमें रियलमी के अंदर में मिनी कैप्सूल के नाम से जो है हमें देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड ये हमें फर्स्ट टाइम C55 में भी देखने को मिला था। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें एक 12 nm का हमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि हमें मैक्सिमम 1.82 GHz के हमें क्लॉक स्पीड के साथ। एंड साथ ही में हमें माले G57 GPU। एंड फ्रेंड इसके अंदर में 4 GB के हमें LPDDR4X RAM एंड 64 GB एंड 128 GB का जो स्टोरेज है वो देखने को मिलेगा। एंड बात करो फ्रेंड्स के अदर फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें रियलमी की यानी जो एंड्रॉइड 13 बेस्ड हमें रियलमी UIT एडिशन। एंड साथ ही में हमें एक 6.74 इंच की हमें 90Hz की हमें स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 560 nits का हमें ब्राइटनेस, 180Hz का हमें टच सैम्पलिंग रेट एंड 5 MP का हमें फ्रंट सेल्फी शूटर है वो देखने को मिलेगा। एंड रियर के बारे में बात करो तो फ्रेंड ड्यूल फिनिश के अंदर हमें जो इसका रियर एंड है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में 3 circles देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें एक के अंदर में फ्लैश एंड 2 के अंदर हमें कैमरा यानी 50 MP का हमें प्राइमरी कैमरा। एंड साथ ही में हमें एक डेप्थ सेंसर भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड बात करो फ्रेंड्स के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर में 5000 mAh की हमें बैटरी एंड ये जस्ट 28 मिनट्स के अंदर ही 50% जितना जो है वो चार्ज हो जाता है। एंड फ्रेंड्स के अंदर में NFC 3.5 का हमें हेडफोन जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिससे और भी काफी सारे जो फ्यूचर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस मोबाइल के बारे में इतने ही फ्यूचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन वही देखने को मिलते हैं गाइस। और भी अगर उसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड इसी तरह से अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।